हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बीएसटीसी के मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट के एकदम बिल्कुल सटीक आंसर की के बारे में। उससे पहले यदि आपने जीके के आंसर की चेक नहीं की तो चैनल पे जीके और हिंदी की जो आंसर की है बिल्कुल सटीक, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको इनमें से जो सीरीज चल रही है इस सीरीज में बताइए अगला क्रम कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है जो कि इस रूल का पालन करता है, फॉलो करता है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका कम समय में सारे आंसर चेक हो जाए और आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी अपने क्वेश्चंस कितने सही होते हैं ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है, अगर उन दोनों की उम्र में अंतर 8 वर्ष का है तो राम की आयु क्या होगी। तो ये राम की आयु यहाँ पर हो जाएगी 10 वर्ष। ठीक है जी, हाँ 10 वर्ष हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि राम की हो जाएगी 10 और श्याम की हो जाएगी 2। ठीक है, और इसके बीच गैप कितने का हो जाएगा, 8 का, तो बिल्कुल सही है। हाँ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर जो 1, 8 और 27 है यहाँ पर जो रिलेशन है उसका रिलेशन किससे बैठता है, तो आप देखिए यहाँ ए से, क्योंकि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब, इसी प्रकार ये 4, 5 और 6 का क्यूब है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जी है, देखिए है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये VNRI का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, चक्रवात और प्रतिचक्रवात जैसे एक दूसरे के अपोजिट है वैसे ही बाढ़ का अपोजिट है सूखा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड सारी न्यूज़ और मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कबूतर पक्षी और कुत्तों से संबंध, देखिए पक्षियों के अंदर कबूतर आता है और कुत्ता बिल्कुल अलग ग्रुप है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ये सारे जो साइन है आपस में चेंज करने और इसके बाद जो बोर्ड मास का रूल है वो आपको अप्लाई करने हैं और सही आंसर निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो 8 आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस। 8वां क्वेश्चन, यहाँ पर जो भी यहाँ पर नंबर है वो आपको नंबर बताना है कि वो कौन सा नंबर आएगा, तो इसका आंसर 76 हो जाए। आप देख लीजिए ये 7 और 4 जुड़ के 11 हो रहे हैं, 11 और 7 18 हो रहे हैं, 18 और 11 29, इसी प्रकार 47 और 29 जब जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन, जिस प्रकार चुंबक में ध्रुव होते हैं उसी प्रकार बैटरी में क्या होता है, टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, असंगत कौन सा, देखिए विस्तृत का अर्थ होता है चौड़ा, लघु का मतलब छोटा, बड़ा का मतलब विशाल और हल्का भारी आपस में अपोजिट हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। फिर 11वें में देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए यहाँ से पीछे से यहाँ पर 5 पॉइंट काउंट करने हैं, तो हाँ यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अरे 12वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बताना है कि जो रूल फॉलो हो रहा है उसमें से कौन सा अलग है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ पर आपको इन नंबर को देख कर पहचानना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है, तो 2 लगातार बार दिए हुए अंकों के मध्य 2 का अंतर, जैसे कि 5 और 7 के बीच 2 का अंतर, इस प्रकार के कितने नंबर आए, तो इस प्रकार के 7 नंबर आए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 क्वेश्चन में भी इसी प्रकार 9 के 5 के बाद 9 आया हो, ठीक है, परंतु 3 नहीं आया हो, तो इस प्रकार आप जब चयन करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 15 की बात करें कि इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा, देखो 8, 8, 8 और यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 22 और 6 का फर्क है 28, 28 और 6 हो जाएगा 34, तो 34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि इसमें से कौन सा अलग है, तो ये जो ज्योमेट्री है ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसका आंसर जो आएगा 132 आता है, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये कूट वाले हैं, इसको जब ये लिखा जाता है इसको ये, तो इसको क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पर जब इसका निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका मैच हो जाएगा।
फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मैं क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ताकि आप आराम से आंसर की चेक कर सकें और वीडियो को पूरा देख सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 मील आंसर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 40 वर्ष, इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और 21 का जो आंसर है वो आ जाएगा राज, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 22, तो यहाँ पर देखिए ये रिलेशन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है भाई बहन, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, देखिए कौन सा अलग है, तो देखिए वीणा, गिटार, सारंगी, ये सारे अलग है, बांसुरी फूक से बजने वाला यंत्र है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 वाला देखिए, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे भारी कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी, जो ए है वो सबसे भारी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, हाँ देखिए ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और 25 का आंसर हो जाएगा ए, पोती। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, असंगत कौन सा देखिए, द्वीप, प्रायद्वीप और तट, और ये बिल्कुल अलग है, तो नखलिस्तान इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करते हैं हम 27 क्वेश्चन पे, देखिए लौंग, इलायची, हाँ लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, ये तीनों ही मसाले हैं, खुबानी जबकि एक फल के ड्राई फ्रूट में आता है, तो ये ऑप्शन नंबर 27 का डी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 28th क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन में देखो, बैट को यदि 23 लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा, तो ये इनके जो अल्फाबेटिक नंबर होते हैं वो देखकर निकालने हैं, तो यहाँ पर 28वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चॉइस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, चिड़ियाघर में हिरन और मोर है, और सिर की गिनती इतनी है, पैरों की गिनती इतनी है, तो मोर कितने हैं, तो जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन बना के, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 60 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 30 क्वेश्चन की बात करते हैं कि 75% खर्च करता है और फिर भी 1500 रुपये बचा देता है, तो मासिक जो आय है वो आपकी 6000 रुपये हो जाएगी, ठीक है, हाँ मासिक वेतन आपका 6000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं 31 क्वेश्चन, जो श्रृंखला देवी है इसमें अगला पद क्या होगा, तो इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, 75, क्योंकि यहाँ पे दुगुने में 1 जुड़ रहा है, फिर दुगुने में 1 कम हो रहा है, दुगुना हो रहा है एक कम, तो दुगुना हो रहा है एक बार जुड़ रहा है, और एक बार दुगुना होके एक कम हो रहा है, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, तो इस प्रकार 75 आ जाएंगे। फिर आप बात करते हैं 32 की, तो 32 जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको अल्फाबेटिक रूल अप्लाई करने, और VIJ आपका आंसर आ जाएगा सी। फिर हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन, यहाँ पर कैलेंडर से क्वेश्चन आया है, तो दिन पूछा है, तो इसका आंसर मंगलवार आ जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़कर 3 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, तो जो 34th क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर है वो ए, 430 बिल्कुल सही हो जाएगा, और जो 35th क्वेश्चन होगा उसका 31 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, और जो 36th क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपका 36 का बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 600, ठीक है, ये आप सारे चेक कर सकते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 37th क्वेश्चन, यहाँ पर भी रूल अप्लाई हुआ है और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, तो 37th का आंसर हो जाता है सी, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ से 8 को 3 से करते 24 आता है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर जो भी आता है उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है, और यहाँ पर 4 से करेंगे तो 40 और 2 से 80, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए मल्टीप्लाई, तो 62 से मल्टीप्लाई 120, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। फिर हम बात करते हैं पासे का क्वेश्चन है, सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम 2, 4, 6 होते हैं यानी 3, और टोटल नंबर्स होते हैं 6, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए हाँ यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये ऑप्शन है, क्योंकि इसका आंसर जब निकालते हैं तो 10 रुपये आते हैं, जो कि ऑप्शन में आपके नहीं है। फिर बात करते हैं 40, हाँ जो नहीं, हाँ 1990 की जो पंचांग था उसके समान कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2001। जिस प्रकार कुत्ते का संबंध घर से है, उसी प्रकार चिड़िया का जो संबंध है होगा वो पिंजरे से होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर सी मिलेगा, 4। फिर हम बात करते हैं 43 क्वेश्चन,
कौन सी अलग है, देखिए राउंड के अंदर राउंड है, सर्किल के अंदर सर्किल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ये जो है ये सी वाला अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 44 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे ब्लड रिलेशन को, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पुत्र। फिर हम बात करते हैं 45 क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कूट भाषा में दिए हुए, तो इज किसको डिनोट कर देगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टी ओ डी को डिनोट करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ करते हैं, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, जब इसका ब्याज हम निकालेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं होगा, तो 46 का इनमें से कोई नहीं। और जब 47 क्वेश्चन को करते हैं, मालगाड़ी का ये जो सवाल है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड यानी कि 520 मीटर टोटल दूरी होगी, जिसमें से 250 ये हो गए, तो 270 ये हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं 48 क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 49 माइनस करते हैं 18 और प्लस कर देते हैं 1, तो ओवरऑल आ जाएगा आपका 32, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फिर जो 49 क्वेश्चन है, यहाँ पर धर्म युद्ध बिल्कुल अलग हो जाएगा, बाकी सारे अलग हैं। और जो 50 क्वेश्चन, जो सबसे छोटा अंक कौन सा है, जब आप डिवाइड करके देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर दिए गए, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।